नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी मुख्य समाचार की शुरू में। देश और दुनिया के तमाम बड़े और महत्वपूर्ण काम के खबरों को लेकर आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हो चले। सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, उससे पहले एक नजर आज के मुख्य और बड़ी समाचार की ओर नजर डाल लेते हैं। तेज प्रताप यादव का जो बड़ा बयान सामने आया, तेज प्रताप यादव ने ऐलान करते हुए साफ तौर पर कहा कि अब उनकी पार्टी की सरकार खरवासवाद बनने वाली है। आरजेडी संपूर्ण बहुमत के साथ बिहार में खेला कर सकती है। और यह इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी साफ तौर पर बता दिया कि 2022 में सत्ताधारी सरकार जो है वह पलटेगी और विकास संभव उसी समय है जब नीतीश कुमार यानी जेडीयू और आरजेडी एक साथ आएगी। तो क्या जेडीयू के तरफ से नीतीश कुमार आरजेडी को अपना समर्थन देने जा रहे हैं? क्या आरजेडी जेडीयू के साथ जा रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? इसको लेकर बड़ा बयान सामने आया, पूरी खबर 5 मिनट के अंदर विस्तार से बताएंगे। तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको भी लगता है कि बिहार में राजद की सरकार बननी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिहार में होने हैं एमएलसी का चुनाव। इस चुनाव में एक बार फिर से बड़ा झटका, जी हां, देख सकते हैं जेडीयू और बीजेपी को चिराग पासवान ने यह साफ तौर पर निर्धारित किया कि अब उनकी पार्टी अलग ही, रामविलास पासवान, जी आपको बता दें लोक जनशक्ति रामविलास पासवान पार्टी जो इस बार वो अलग ही चुनाव लड़ेगी। वह किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। वो आज भी नीतीश कुमार पर तीखे हमले बोल रहे हैं चिराग पासवान। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, दरअसल आरजेडी की ओर से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आरजेडी ने अब 9 लिस्ट में, जी आपको बता दें कि एमएलसी के तमाम सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर लिया है। अब यही उम्मीदवार, जी हां, आरजेडी के चुनावी मैदान में कूदेंगे और इनके नामों पर चिंतन मंथन करके अब निर्धारित कर लिया गया है। उन्होंने खुला चैलेंज कांग्रेस को भी दे दिया, जिस कांग्रेस ने भी इस खुले चैलेंज को खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। क्या कुछ बड़ी खबर है 5 मिनट विस्तार से। नीतीश कुमार को हुए कोरोना को देखते हुए आज पूजा अर्चना की गई भगवान शिव। आपको बता दें कि पूजा अर्चना करके लोगों ने यह दुआ की कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव जो हुए वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और बिहार का विकास करने के लिए वो आगे आए। पटना में गंगा के तट पर नीतीश कुमार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज पूजा अर्चना किया लोगों ने और पूजा पाठ करके भगवान से उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगी। बड़ी खबर, आज बिहार से रवाना हुई 2 ट्रेनों में जबरदस्त जी एक्सीडेंट का मामला सामने आया। दरअसल आपको बता दें कि बीकानेर एक्सप्रेस में, आपको बता दें कि जलपाईगुड़ी के पास में, जहां 5 जो बोगियां हैं वो पटरी से उतर गई है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और इसके साथ ही मगध एक्सप्रेस में आज आग लग गई। किसी आग में किसी भी व्यक्ति के झुलसने या मरने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन पटरी से उतरने वाले जलपाईगुड़ी में जो घटना हुई इसमें कुछ लोगों के घायल होने संभावनाएं। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, दरअसल आपको बता दें कि 2022 के बोर्ड एग्जाम तय सीमा पर ही लिया जाएगा। जी हां, बीएसईबी बिहार बोर्ड का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि तय सीमा पर ही, जी हां, इस बार का परीक्षा लिया जाएगा। 1 फरवरी से कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों के अनुसार सबको ध्यान में रखते हुए इस बार का बिहार बोर्ड अपना परीक्षा लेगा। बिहार बोर्ड का यह परीक्षा 1 फरवरी से इंटरमीडिएट का शुरू होने जा रहा है, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों का खासतौर पर ध्यान सरकार रखने जा रही है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही जीतन राम मांझी को लेकर के। जीतन राम मांझी ने, आपको बता दें कि आज बड़ा बयान दिया और उनके तरफ से एमएलसी चुनाव में 2 सीटों की मांग की गई या 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को पेश कर सकते हैं जीतन राम मांझी। हालांकि जीतन राम मांझी हमेशा से जिस तरीके से एनडीए से कई बातों से वो नाराज रहते हैं कि आने वाले दिनों में 2 सीट नहीं मिली तो वह नाराज होंगे, ये भी एक बड़ा संभावना है। लेकिन जो भी चीजें होंगी वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। बड़ी खबर निकल गई सामने आ रही इस वक्त, कांग्रेस ने आज ऐलान कर दिया कि वह आरजेडी के खिलाफ, जहां अगर गठबंधन के नियमों का पालन आरजेडी नहीं करती है तो वह इसके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इस तैयारी को आज कांग्रेस ने पूरा करते हुए कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को जो जिम्मेवारियां दी हैं, कन्हैया कुमार इस जिम्मेवारियों को बखूबी निभा सकते हैं। इसको लेकर के लगातार जो है वो कन्हैया कुमार के ऊपर अब दबाव बना हुआ है कि कांग्रेस की जुमी नैया को वह किस तरीके से बिहार में निकालते हैं और बताते हैं। बड़ी खबर,
बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, बिहार में क्राइम रिपोर्ट लगातार बढ़ गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सिवान जिले में लगातार क्राइम की बढ़ती मामलों को देखते हुए सरकार भी चिंतित है। लेकिन कल जी हाँ एक मामला आपको बता दें कि बीजेपी नेता को गोली मारने को आया था, जिसमें बीजेपी नेता ने 5 लोगों को नामजद, जी हाँ आपको बता दें कि नामजद वो नाम बताते हुए नजर आ रहे थे घायल अवस्था में भी। जिन 5 लोगों को सरकार अब खोज, आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन उसे खोज रही है और गिरफ्तार करने की साजिश में 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी किया गया। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही, इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब के होने वाले चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी का चेहरा जी भागवत सिंह की जो पत्ता कट सकता है। उन्होंने साफ तौर पर केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का चेहरा जो है वो खुद जनता चुन कर देगी मुख्यमंत्री का चेहरा। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही, इस वक्त दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से एक बड़ा ऐलान सामने आया है और यह इस वक्त का बड़ी खबर है। दरअसल बीजेपी ने लगातार पार्टियों के टिकट वितरण को लेकर के अब मूड बना लिया है और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों की टिकट वितरण किया गया। टिकट वितरण को लेकर के आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अपने चेहरे को लॉन्च किया, जिसके बाद में अब यह चेहरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा के डूबते नैया को आगे निकालने और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, कांग्रेस की तरफ से आज सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रियंका गांधी ने सभी जगहों के सीटों का ऐलान कर दिया। आज राहुल गांधी ने कहा कि जिसके साथ नहीं हुआ इंसाफ वो लोगों का इंसाफ करने के लिए काबिल, इसीलिए मैंने महिलाओं को आज उत्तर प्रदेश में पहली प्राथमिकता देते हुए टिकट वितरण करने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश का सभी जगहों के टिकट वितरण लगभग कांग्रेस ने पूरा कर लिया है और कांग्रेस अब इस उम्मीदवारी को लेकर के आगे चलते हुए दिखाई दे रही है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, राजभर ने बड़ा ऐलान किया। राजभर ने साफ तौर पर कहा कि अगर योगी में दम है तो करे मुझे गिरफ्तार, आज भी मैं हूं पूरी तरीके से तैयार। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के साथ गठबंधन कर लिया है, जिसके बाद में समाजवादी पार्टी के वह पूरी तरीके से कमान को संभाले हुए हैं। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री इस बार बनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। ये बेहद बड़ी खबर निकल कर आई। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, दरअसल पाकिस्तान से पाकिस्तान की सरकार ने आज गर्भ निरोधक पर भी आपको लाने के टैक्सों को लागू कर दिया, जिसके बाद में लगभग पाकिस्तान एक तरफ ये कहता है कि वह हिंदुस्तान से मुकाबले के लिए तैयार है, हिंदुस्तान से वह अपनी जीडीपी का मुकाबला करता है, दूसरी ओर ये आपको लाने कि पाकिस्तान जो है वो नीलामी के कगार पर है, नीलामी के कगार पर पाकिस्तान पहुंच रहा है और इमरान एक सबसे बड़ी त्रासदी बनकर रह गए पाकिस्तान के इस बार के प्रधानमंत्री के रूप में। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, इस वक्त योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव। अपनी सियासी पाली को खेलने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को चुना। हिंदुत्व के कार्ड को खेल करके एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ सकती है। हिंदुत्व के कार्ड को खेल करके भारतीय जनता पार्टी इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में तमाम जगहों का, जी हाँ ये पूरी तरीके से कहें तो वह जी हाँ जोर आजमाइश कर रही है जीतने का। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही, इस वक्त दरअसल बिहार के विभिन्न हिस्सों में जबरदस्त बारिश हुई और आज यह बारिश मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंड के रूप में रही। तो इतना ही नहीं, बिहार के विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिशों से बिहार के लोगों को खासा परेशानियां हो रही है और इसके साथ ही वह पूरी तरीके से मौसम में हो रही नमी के कारण मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट भी किया है। तो अभी फिलहाल 13 जिलों में बारिश होने की और ज़्यादा जी हाँ उम्मीद की जा रही है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। महज 24 घंटों में 2,50,000 नए मामले सामने आए, तो कुल एक्टिव केस की बात करें तो 11.5 लाख कुल एक्टिव केस मामले आए और लगभग 500 लोग 24 घंटे में मरे हुए नजर आए। दरअसल मौत के आंकड़े बढ़ने लगे हैं, देश में कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस तरीके से मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। यह आंकड़े फरवरी और मार्च महीनों में काफी ज्यादा हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी सरकार को सतर्क किया है।
आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमत शांतिपूर्ण रहे नहीं बढ़ा, पेट्रोल का कीमत और नहीं घटा डीजल का कीमत, डीजल और पेट्रोल का कीमत सामान्य रहने से आज लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमत उपचुनाव के समय से जी हाँ काफ़ी ज़्यादा कम हुए थे, 5 रुपये की कमी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के सरकार के रूप में किया, लेकिन आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 के आंकड़े को पार। सरकार से लोगों ने रिक्वेस्ट किया, अन्यथा विधानसभा चुनाव में खमियाजा भुगतने के लिए सरकार रहे तैयार। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब लगातार लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। दरअसल मजदूरों को अब यह लगने लगा है कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे बड़े निर्णय को सरकार ले सकती है, और इस निर्णय को लेने से पहले लोगों ने मन बना लिया है कि वह अपने घर को लौट जाएंगे, इसलिए लगातार लोग अपने घर के रुख को कर रहे हैं, और जिसके साथ ही सरकार की भी चिंताएँ बढ़ी हुई है। प्रवासी मजदूर घर को लौटने लगे, सरकार की चिंताएँ बढ़ गई। सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारी मेहनत का फल वीडियो को लाइक करने से मिलता है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज की बारी और मुख्य समाचार की ओर। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के होने वाले चुनाव में हलचले तो एक तरफ तेज है ही, तो दूसरी ओर बिहार के सियासत में भी हलचले तेज हो गई है। बिहार के सियासत में हलचले इस वजह से तेज है कि खरवास बाद नए सरकार के अंदेशा अब साफ तौर पर दिखने लगा है। जहां तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जातीय जनगणना के पक्ष में है, वहीं कांग्रेस भी जातीय जनगणना के पक्ष में है, तो अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के आज एक नेता जी हां भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर वह विदाई ले लिए। इसके साथ ही बड़ा झटका लगने की उम्मीद भी सामने आई, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे को लेकर के वह पूरी तरीके से कायम है। लेकिन अब RJD को नए दौर की शुरुआत करनी है, और इस नए दौर की शुरुआत में चाहे जो कुछ भी हो, 22 में एक तरफ जहां समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिख रही है, तो बिहार में भी आपको बता दें कि पूरी तरीके से तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाने की तैयारी में है। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, इन तमाम नेताओं को साधने की तैयारी RJD ने करना शुरू कर दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में सरकार बने तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई रुझान और ओपिनियन पोल के अनुसार अखिलेश यादव आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस बार जहां बड़ा रणनीति बनाया है, और इस रणनीति के तहत उन्होंने इस बार लोगों को बड़ी छूट देने की बात कही है। यही तक नहीं, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो 300 यूनिट लोगों के बिजली बिल मुफ्त करेंगे सरकार में, तो और किसानों का बिजली बिल मुफ्त रहेगा, जिसके साथ ही कुशीनगर, गोरखपुर और समेत कई सीटों पर, उत्तर प्रदेश के कई सीटों पर बहुत ज्यादा इस बात का प्रभाव दिख रहा है। और समाजवादी पार्टी संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की तैयारियों को कंप्लीट करने के लिए निकल चुकी है। वहीं समाजवादी के सामने कई पार्टियों के छोटे दलों के आपको बता दें कि गठबंधन भी है। यह बेहद बड़ी खबर निकल कर आई। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, दरअसल बिहार में लगातार खादों की कमी से जहां किसान त्राहिमाम है, किसानों को खाद समय पर नहीं मिल पा रहा है और फसलें तबाह हो रही है, तो अब किसानों ने सरकार से अपील किया है यूरिया कब मिलेगा। दरअसल यूरिया का कमी हो गया है, और यूरिया की हो रही कमी के कारण लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, और किसानों ने साफ तौर पर सरकार से अपील किया है कि यूरिया जो है वो दिया जाए। समय पर यूरिया ना मिलने से आपको बता दें कि फसलों का उत्पाद कम होगा, और इसके साथ ही फसलें कम उगेंगी, जिसके साथ देश में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए समय रहते भुखमरी की समस्या ना हो, सरकार यूरिया और खादों का व्यवस्था समय पर कराए। यूरिया की कीमत जो है वो आपको बता दें कि लगातार ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है और कम की जा रही है। आज इतना ही, हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार से बोलिए भारत माता की जय।